लोनसरा खुर्द निवासी एक बेटा अपनी मां को ठेला गाड़ी पर बिठाकर जिला अस्पताल तक लाया। जिला मुख्यालय बड़वानी से 13 किलोमीटर दूर ग्राम लोनसरा खुर्द निवासी राधु पिता मांगीलाल कलियुग का श्रवण कुमार हैं। गरीबी और गांव तक बस ना चल पाने के कारण आज चौथी बार राधु अपनी मां को ठेला गाड़ी पर जिला अस्पताल लेकर आया। 72 वर्षीय मां रेवाबाई ने बताया कि 20 दिन पहले उनके पैर में एक कांटा लगा था, जो ठीक नहीं होने पर अस्पताल आना पड़ा। डॉक्टर के ड्रेसिंग करने के बाद अब थोड़ा आराम है। घर में जीविका चलाने का साधन सिर्फ ठेला गाड़ी ही है। राधु की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मां को अस्पताल लाने के लिए अन्य साधन करवाने के पैसे तक नहीं है। गांव में बस भी नहीं आती। बड़वानी से लोनसरा आना जाना 26 किलोमीटर है, जो कि राधु ने ठेला गाड़ी से तय किया। ठेला गाड़ी से आया। ठेला गाड़ी से क्यों आया? तब ठेला गाड़ी है तो ठेला गाड़ी से आ गया। और कोई साधन नहीं है? नहीं साधन। कितने किलोमीटर है लोनसरा? 12 किलोमीटर। बस चलती है वहाँ पे? बस नहीं चलती है। कितनी बार आ गए अभी तक इस तरफ? 4 बार आ गया मैं। आज 5वीं बार आ रहा हूँ। हाँ 4 बार। ठीक है, आराम है वहाँ को? हाँ अभी ये आराम के रिता आराम होएगा। मैं यहाँ मलम पट्टी करवाने लाया मैडम भाई। क्या नाम है सर आप? नयन शर्मा। सर कहाँ पढ़ाते हो आप? मैं लोनसरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता। सर ये कौन है माँ बेटे जो बड़वाने ठेला गाड़ी? राधु है, लोनसरा में पुरानी हाई स्कूल के सामने रहता है। बहुत गरीब आदमी है, लोहारी का काम करता है। तो बहुत सुधार व्यक्ति किसी से कोई सहायता नहीं मांगता, अपनी माँ को ठेला गाड़ी पर खुद ही लोनसरा से 13 किलोमीटर दूर बड़वानी इलाज के लिए ले जाता है। सर आप लोगों ने, गांव वालों ने, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की है क्या? सब लोग करते भी है तो इतना सुधार है कि किसी से कोई मदद नहीं मिलता। कौन सा गांव से आ रहे हो? कौन सा गांव से आ रहे हो तुम? कितना दूर चाहिए लोनसरा बड़वानी से? 12-13। रोज एम्बू रोज ठेला गाड़ी से आते हो? क्यों, क्या कारण है ठेला गाड़ी से आते हो? हमारा कोई कारण नहीं, साधन नहीं, हमारा साधन नहीं है। अगर ठेला गाड़ी से रोज नहीं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। परिवार में दो के अलावा कोई नहीं है ना? माँ आपके अलावा? नहीं, मेरा छह लड़के आलू छे भाई छे पर अभी हम यहाँ दू छे वो कह रहे थे घर ही गई है। वो भी आयो तो कल आज हो तो वहाँ घर रोक के लियो पानी मानी आओ कर ना आओ कर पानी दिन पर बुलावा भाई ना भाई पच्चीस मांगी लाल वो तो मर गया। 10 साल उम्र कितनी आपकी? 74 क्यों? कितने दिनों से लेके आ रहे हो क्यों आप ठेला गाड़ी पे? इनको मेरे को लेते सुबह घर से 7 बजे से निकाल आई जहाँ धीरे अभी तो हम 4 का आए। पहले तो वो बता जांच पर आए ना, अभी छोटे से ऑपरेशन करो तो चेकिंग पर बुलाया तो कल तो चेकिंग पानी खूब ले लो आया। कितने दिनों से लेके आ रहे हो तुम ठेला गाड़ी से? कितने दिन हो गए आज? आज 4 चार दिन तो रोज आ रहे हो ठेला गाड़ी से लेके? ठेला गाड़ी से ले आते 4 दिन में एक एक बार आते हो? कितनी बार आ गए अभी तक? 4 कितनी बार आ गए यहाँ पर? 4 बार आ चुके। कितनी देर लगती है बड़वानी जाने में यहाँ पे ठेला गाड़ी से? 1 घंटा कितनी देर लगती है? 2-1 घंटा। क्या नाम है? माँ है, क्या नाम है तुम्हारा? रेवा भाई। कहाँ रहते हो? ये ठेला गाड़ी से कहाँ से आ रहे हो आप? कितना किलोमीटर, कितनी देर लगती है बड़वानी आने में? अरे 2-1 घंटे हो जाए। कितनी बार आ गए हो तुम लोनसरा से ठेला गाड़ी के ऊपर? 4 बार। आज कितने बजे निकले थे आज सुबह? 7 बजे। 7 बजे। क्या बीमारी हो गई आपको? ये पाँव में पहले कांटा लग गया था, बीमारी डॉक्टर साहब ने जाँच करी, अब उनके हाथ में हमको कागज पत्थर सब दिए तो उनके हाथ में हमें तो उनने वो जो इलाज कर रहे वो सही नहीं और उनके इलाज से हमको फायदा भी हुआ। आज क्या चेकिंग के लिए आए हो बड़वानी? मलम पट्टी करवाने लाया। गांव में नहीं चलती, नहीं चलती, इसीलिए ठेला गाड़ी से लाना पड़ रहा तुमको। बस चलती तो फिर बस से लाते हैं।
लाता। कौन सा गाँव है तुम्हारा? लोनसरा खुर्द के बुजुर्ग। हाँ खुर्द, लोनसरा खुर्द। बस नहीं चलती? बस नहीं चलती, मोटर चलना चाहिए, मोटर की मांग है, लेकिन क्या करें, मोटर नहीं चलती, इसलिए तुमको मजबूरी में आना पड़ता है।